पूर्णिमा, कब तक प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और क्या तस्वीर वहां आप देख पा रही हैं दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर? दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर अयोध्या जैसी भव्यता इस वक्त आयुष याद आ रही है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रभु श्री राम विराजमान हुए, रामलला विराजमान हुए और जिस तरीके से अयोध्या के मंदिर को तैयार किया गया, ठीक उसी तर्ज पर स्वामी नारायण मंदिर को तैयार किया गया है। राजस्थान का पिंक सैंडस्टोन यहां पर इस्तेमाल हुआ, तस्वीरें आप देखेंगे। लेकिन मुख्य सवाल पर आते हुए, क्योंकि आपने पूछा कि प्रधानमंत्री कब आने वाले हैं, देखिए भारतीय समय के अनुसार अगर बात करेंगे तो अभी वहां पर 6 बज चुका है और यहाँ के समय के अनुसार अभी 4:30 बजा है और माना यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर किसी भी समय मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि 4:15 से 4:30 बजे का वक्त यहाँ के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का तय किया गया था। लेकिन बस ये मान के चलिए कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे। और उसी बारे में बात करते हुए इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता का जरूर जिक्र करना होगा। लेकिन आपने ये देखा है कि जब भी कोई मंदिर बनता है, 1971 ये वो समय था जब इस मंदिर के निर्माण का सपना देखा गया और उसके बाद एक लंबा वक्त गुजरा, लंबा वक्त बीतता चला गया और उसके बाद जिस तरीके से BAPS की तरफ से कोशिशें की गईं, कोशिशों में प्रधानमंत्री मोदी का 2015 में योगदान, 2019 में जिस तरीके से उन्होंने इसकी नींव रखी और उसके बाद आज 2024 में खड़े हुए हैं ये खूबसूरत मंदिर। विकास जरा इसकी तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि खूबसूरत मंदिर आप जैसे जैसे देखेंगे इतनी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, फिर चाहे वो स्वयंवर हो या फिर अलग अलग मूर्तियां इसमें दिखाई गई हैं, स्वामी नारायण भगवान इसमें अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यहां से किसी भी वक्त जब गुजरेंगे तो लोगों का उत्साह जबरदस्त है। जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे हम लगातार जब बात कर रहे थे, इंडियन कम्युनिटी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मोदी हैं तो मुमकिन है ये कहते हुए काफी खुश नजर आए और बहुत हल्के अंदाज में किसी ने यह भी कहा कि आपका चैनल भारत 24 है तो आप इसमें से 24 चुन लीजिए और 24 अब भी प्रधानमंत्री का तय हो चुका है। 2012 में जमीन तलाशनी शुरू की गई, 2018 में इसकी जमीन मिल गई और उसके बाद देखिए 2019 में नक्शा बना और फिर उसके बाद आगे किस तरीके से मंदिर का निर्माण तेजी के साथ आया। रेत चुनौती थी क्योंकि जमीन के नीचे प्राकृतिक चट्टान मिली तो उससे सहारा मिला और उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद ये मंदिर बनकर अब तैयार हो चुका है। जो नक्काशी आपको नजर आ रही है वो राजस्थान में हुई है, जहाज से मूर्तियां UAE भेजी गई क्योंकि इनको वहीं पर तैयार किया गया है। 16 देशों में मंदिर का काम समानांतर तौर पर चल रहा है जिसमें पेरिस, जोहान्सबर्ग, सिडनी और इसके साथ साथ गुजरात, जोधपुर और नासिक भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में हम सब जानते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से वो बनाया गया है। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी BAPS की तरफ से किया गया है जिन्होंने स्वामी नारायण मंदिर को बनवाया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद करेंगे। किसी भी समय प्रधानमंत्री होंगे लेकिन एक बार फिर से उन चेहरों को मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये वो लोग हैं जिनका योगदान इस मंदिर निर्माण में रहा है और आप अयोध्या याद करिए या आप कर्तव्य पथ याद करिए, इन तमाम जगहों पर जिन लोगों का योगदान निर्माण में रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे ये समझना चाहेंगे, बात किया, आज ये लोग बहुत बेसब्र हैं प्रधानमंत्री से बात करेंगे। जी बिल्कुल पूर्णिमा, आप उस समय यहाँ वहां पर मौजूद हैं 2500 किलोमीटर दूर और कैसा लगता है आपको खुद को भी और वहां पर रह रहे भारतीयों को जब एक इस्लामिक कंट्री में, उस जमीन पर जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ, जिस तरह से कहा जाता है इस्लाम ही इस्लाम है, वहाँ पर सनातन की वापसी, मंदिर की वापसी और इतना भव्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर आज पहुँचने वाले हैं, तो ये जो भावना है कि एक इस्लामिक जमीन पर सनातन की वापसी, वो कैसा लगता है? आज मैं साक्षी एक भारतीय होने के नाते बनने वाली हूँ अदिति सनातन के सूर्योदय की, और सनातन का सूर्योदय इसी लिहाज से जिसका आपने जिक्र किया, एक इस्लामिक कंट्री और वहाँ पर एक हिंदू मंदिर का बन जाना। जब मैं कल जायद स्टेडियम में मौजूद थी और 35 लाख भारतीय समुदाय के लोग जिस तरीके से मोदी की गूंज और मोदी के ये बताने पर कि कैसे भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जिस तरीके से खुश थे, उत्साहित थे, वो नजर आ रहा था, वही भाव राम जब इस मंदिर को लेकर उनसे मैंने सवाल पूछा तो तब भी उनका यही जवाब था कि हमारी आस्था का केंद्र हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। एक भारतीय होने के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगी तो गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, यहां UAE की धरती पर एक 27 एकड़ में फैला
एक स्वामी नारायण मंदिर का बन जाना, हिंदू मंदिर का बन जाना, और वो भी इतनी खूबसूरती के साथ, अलग अलग राज्यों का समागम इसमें देखने को मिलता है। और अदिति, आपके लिए तो ज्यादा खुशी का विषय है क्योंकि राजस्थान और राजस्थान का जो योगदान अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर रहा, वो UAE में इतने किलोमीटर दूर स्वामी नारायण मंदिर में भी रहा है। और लगातार मैं उन राजस्थानी लोगों से बात कर रही हूँ, इतने खुश नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में उनका योगदान और स्वामी नारायण मंदिर में उनका योगदान उनके लिए जीवन भर स्मरण रखने वाला विषय है, और उसको लेकर वो बहुत खुश नजर आए। और आई एम श्योर ये खुशी आपके मन में भी बहुत ज्यादा इस वक्त होगी। बिल्कुल पूर्णिमा, क्योंकि राजस्थान के लोग ही नहीं, राजस्थान का जो पत्थर भी है वो भी अपना नाम कहीं ना कहीं जाकर भारत का नाम कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन पूर्णिमा, अब क्या क्या कार्यक्रम हैं, कितनी सुरक्षा के इंतजाम हैं, अब क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री आएंगे, कितनी भीड़ वहां जमा है, भारतीय समुदाय से कितने लोग हैं, क्या कुछ नजारा अभी वहां पर? जी बिल्कुल, और आपको बताना इसीलिए चाहूंगी, तस्वीरें कुछ कम दिखा पाऊंगी इस वक्त अदिति में, क्योंकि हम लोग Zone 2 में इस वक्त मौजूद हैं, और Zone 2 की सबसे खास बात पहले आपको बता देती हूँ और उसके बाद जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं दूंगी। Zone 2 में ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, तो मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊंगी जब प्रधानमंत्री एंट्री होने के बाद यहां से गुजरते हुए इन लोगों से संवाद कर पाएंगे, तो हमारे पास उसका एक एक्सेस रहने वाला है। ये Zone 2 की खासियत है। अब आपने पूछा सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं, तो SPG टेक ओवर कर चुकी है, और यही एक वजह है कि हमें एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट इस वक्त कर दिया गया है, हम बहुत ज्यादा आगे जाने की अभी हमें इजाजत नहीं है क्योंकि SPG टेक ओवर कर चुकी है। यहाँ के समय के हिसाब से 4:15 बजे का समय था, अभी उसमें 15 मिनट की देरी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आ सकते हैं। आपने इंडियन डायस्पोरा की बात की, रंगारंग प्रस्तुतियों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सज धज कर तैयार वो लोग, और खास तौर से VVIPs का मैं जिक्र करूंगी। अब से थोड़ी देर पहले शंकर एहसान लॉय वो यहाँ पर थे, उनसे मैंने बात की, अक्षय कुमार यहाँ पर मेरे सामने पहुंचे, हालांकि उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया इस पर दी नहीं, लेकिन उसके अलावा जेठालाल और भी बहुत सारे VIPs लगातार आते रहे हैं, उनके लिए अलग अरेंजमेंट किया गया है, और जिन्होंने लास्ट मिनट पर रजिस्ट्रेशन करवाया, जो वॉलंटियर्स रहे उनके लिए अलग से एक टेंट की व्यवस्था की गई है, और बाकी सबकी एंट्री अलग अलग जोन्स में की गई है ताकि क्लटर्ड जो है चीजें ना लगे और व्यवस्थित चीजें नजर आएं, और इसीलिए इस तरीके की तैयारी है। लेकिन सबसे खास बात उस जगह पर मौजूद होना जो एपिसेंटर है स्वामी नारायण मंदिर का, जहां से ऊपर पताका नजर आती हो, जरा विकास एक बार ऊपर की तस्वीरें दिखाइए, लहराती हुई पताका जब अदिति आप देखेंगी तो आपको इस बात का एहसास होगा कि UAE की धरती पर किस तरीके से हिंदू मंदिर का निर्माण और ये पताका प्रतीक है। यहाँ पर आपको 7 पताका नजर आएंगी। अब इसकी वजह अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये 7 एमिरेट्स से मिलकर बनता है, और इसीलिए ये 7 पताकाएं लगाई गई हैं। यहाँ पर न सिर्फ संगम आपको भारतीय संस्कृति का नजर आएगा, बल्कि इस इस्लामिक कंट्री और इसके लिए जो खास चीजें हैं, जो इनकी आस्था का केंद्र है, उसके उसके संकेत, उसकी पहचान, उसकी कलाकृतियां भी आपको नजर आएंगी। बिल्कुल।